हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंपा। स्वागत है आप सभी का त्रियांकुश लर्निंग चैनल में। आज जो मैं लेकर आई हूं वो है क्रॉसवर्ड पज़ल। बच्चों के साथ जैसे पज़ल खेलते ना, वैसे ही बुक में भी पज़ल हम बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये तो मेरे बच्चे के स्कूल बुक में बना हुआ था, पर हम इस तरह से बच्चों को घर पर बना कर भी देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, ये देखिए पिक्चर्स, और उस पिक्चर्स के नीचे नंबर दिया हुआ है। जैसे इस ये ट्री बना हुआ है, इसमें 1, रोज़ बना हुआ है 2, और यहाँ पर जिस तरह से ये ब्लॉक्स दिया हुआ है छोटे छोटे, यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम बच्चों को बना के देंगे और बच्चों को बोलेंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे अब ये देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रीज, अब 1 लिखा हुआ है। अब मैं अपने बच्चों को बोलूँगी, चलो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे 1 नंबर पर? ट्री, कैपिटल आर ई ई। सेकंड क्या दिया हुआ है पिक्चर में? नीचे देखो रोज, कैसे कहाँ लिखो? आर तो ऑलरेडी लिखा है, तो ओ आर रोज, आर ओ एस एस ई रोज। थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड नीचे देखो पिक्चर में, हाँ तो थर्ड किधर लिखा हुआ है? आर ओ डब ओ डब्लू। फोर्थ क्या दिया हुआ पिक्चर में? फ्लावर, कहाँ लिखोगे फोर्थ नंबर? फोर्थ नंबर कहाँ पर है लिखा हुआ है? हाँ तो वहाँ से स्टार्ट करो, एफ एल ओ डब्लू ई आर। ओके, अभी फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर देखो कहाँ पर पिक्चर में क्या है? फिफ्थ नंबर के पिक्चर में यहाँ पर देखो क्या है? रेनबो। अभी फिफ्थ नंबर कहाँ लिखा हुआ है? आर लिखा था आपने, आई एन बी ओ डब्लू। रेड में क्या है? सिक्स में मून। तो सिक्स पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है? सिक्स पॉइंट देखो, सिक्स कहाँ लिखा है? हाँ एम लिखा हुआ है। ओ अभी सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पिक्चर देखो, सेवेंथ पिक्चर क्या है? मैंगो, मैंगो लिखा हुआ है ऑलरेडी। अभी एट वाला देखो, एट पिक्चर में क्या है? याच। तो लिखो याच नहीं है, वो बोट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बी से है ना एट नंबर में, तो बोट लिखो। ओ ए टी बो। नाइन्थ वाले में, नाइन्थ पिक्चर देखो, कार, सी ए ऑलरेडी लिखा है, आर। वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को पज़ल बना के दे सकते हैं क्रॉसवर्ड के। आप जैसे चाहे पिक्चर दीजिए और इस तरह से बना के दीजिए, तो बच्चे कर लेंगे और इससे इनका ब्रेन डेवलपमेंट भी हो जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पर लिखना है। इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।